सत श्रीकाल सारिआं नूं, मैं जसमीत पाटी और अज भी बहुत इंपोर्टेंट इनफॉर्मेशन शेयर करन वाला। अटलांटिक प्रोविंस च किवें असी पढ़न जा सकते हैं और बहुत ही इंपोर्टेंट यूनिवर्सिटी विच असी अज दी डिस्कशन करांगे। दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रूंसविक बारे डिस्कशन करांगे अज दे वीडियो विच, जिहड़ी कि न्यू ब्रूंसविक अटलांटिक प्रोविंस च आंदी है। सो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इनफॉर्मेशन मैं स्टूडेंट्स कहते हैं कि असं अटलांटिक प्रोविंस च पढ़न जाना चाहते हैं और सानू अटलांटिक प्रोविंस के जिहड़े कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हां बारे ज़्यादा इनफॉर्मेशन नहीं हैगी। सो तां करके अज्ज दा मैं वीडियो बना रहा और जिहड़े स्टूडेंट ने मैनूं अज्ज कहा ये वीडियो बना लिया उनका नाम नवजोत सिंह है। सो नवजोत, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ टॉपिक एंड अज का वीडियो मैं ता ही डिस्कशन करन वाला। सो पहला तो अज के वीडियो के दौरान असं यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रूंसविक बारे गल करांगे और उस तो बाद कि अटलांटिक प्रोविंसेस च की चाहिए सानू पी आर लैन लई उहदे बारे डिस्कशन करांगे। सो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रूंसविक जिहड़ी हैगी है इट इज़ अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। सो सारे स्टूडेंट्स में दसना चाहांगा इट्स अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एंड एस्टैबलिश्ड इन 1785 एस्टैबलिश हुई सी ए यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रूंसविक एंड तुसी कह लो लगभग 250 साल पुरानी यूनिवर्सिटी हैगी है। इट इज़ द फर्स्ट इंग्लिश स्पीकिंग यूनिवर्सिटी इन कैनेडा। सो इट इज़ द फर्स्ट, बाकी सारियां यूनिवर्सिटीज़ फ्रेंच च पढ़ांदियां होणियां, इट इज़ द फर्स्ट इंग्लिश स्पीकिंग यूनिवर्सिटी इन कैनेडा एंड इट ऑलसो कम अंडर AIPP जिन्होंने कहते हैं अटलांटिक इमीग्रेंट पायलट प्रोग्राम एंड सो दैट इफ यू ग्रेजुएट फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी दैन यू कैन अपलाई योर PR अंडर अटलांटिक इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंडर AIGP जिन्होंने कहते हैं AIPP पार्ट आ जाता है और AIGP के अंडर तुसी अपनी PR अपलाई कर सकते हो। सो न्यू ब्रूंसविक दे विच मंगटन शहर विच जिहड़ा मेन शहर आ जाते हैं, जिहड़े कुछ मेन शहर हैगे हैं न्यू ब्रूंसविक दैट इज़ मंगटन, फ्रेडरिकटन एंड सेंट जॉन, बट जिहड़े इन्हां दे कैंपस हैगे हैं जिहड़ा मेन कैंपस है दैट इज़ फ्रेडरिकटन एंड दैन सैकेंड कैंपस इज सेंट जॉन। होर भी दो तीन छोटे छोटे कैंपसिज हैगे हैं बट ये दो कैंपस बहुत ही मेन हैगे हैं। सो यूनिवर्सिटी की जिहड़ियां रिक्वायरमेंट्स हैगियां फॉर आर्ट स्टूडेंट्स स्पैशली जिहड़े कि आर्ट्स से रिलेटेड कोर्स करना चाहते हैं 70% marks are required after your 12th. No math is required. जे तुसी bachelor degree किसी art stream च करना चाहते हो जिवें sociology, psychology, arts English या तुसी किसी arts related subject च तुसी अपनी की कहते हैं bachelor करना चाहते हो तो 70% marks तुहानू चाहिए हैं। business BBA bachelor economics या international business च तुसी अपनी bachelor करना चाहते हो तो 75% number 75% marks are needed and 12th which and math is required and suppose you do not have maths then you can start from an arts program and apna math as an upgrader leke second year ch tusi specialization yani business ya IT related ya kisi hor program tusi specialization lena chahnde ho then you can switch over engineering and computer science and other science subjects so you need to have overall 80% marks in 12th and math is compulsory if you are looking at computer engineering or science related subjects. So there is an ki kehnde math wale students di badi zyada query aandi hai kyunki sade kol medical students math de related nahi karde hege hain so they will be offered bachelors in arts related subjects. So first year they can study a math upgrader and second year they can switch to a science bachelor degree that will be like 3 years more for to complete your bachelor degree. All bachelor degrees are for 4 years. So je IELTS di requirement di assi gall kariye ta 6.5 band no band less than 6 is the requirement but je tade CBSE cho 75% hege hai english cho ta IELTS university nu nahi chahidi je 75% marks hege hai tade english cho then that's an IELTS waiver from the university. So kafi sare idda de college hege hai jidda Northwest college vi kehnda je tade english cho 70% number hege hai then we don't need IELTS, you need to give IELTS to get a visa but university nu कॉलेज नू आईलेट्स नहीं चाहिदी हैगी है। सो एप्लीकेशन फीस इज $125 एंड जिहड़ी यूनिवर्सिटी दी फीस है दैट इज़ बिटवीन $15,000 टू $20,000 डिपेंडिंग अपॉन विच सब्जेक्ट्स यू आर टेकिंग। सो अगेन अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी
of Canada, and you can definitely take admission here. Turnaround time is close to 4 weeks minimum, and you can apply because Landmark Immigration is directly representing University of New Brunswick. So conditional offer letters are also, you can apply for a conditional offer letter, and you need to submit all your documents, 10th, 11th and 12th the mark sheets to complete submit karni hai, and again open schooling de bhi documents acceptable hai gaye. So students, this is a great university to study in. AIPP de under aati hai, and New Brunswick is a upcoming province of Canada jithe ki mainu lagda hai jide vich bahut sara student move vi kar rahe ne. And if you talk about job opportunities, main personally visit kita hai New Brunswick, and I know there are so many job opportunities in New Brunswick province, and you can really get good jobs, even white collar jobs in New Brunswick, as I've seen people moving from Toronto to New Brunswick. So jadon tusi apni PR apply karoge under Atlantic International Graduate Program jehda ki AIPP de under aa janda hai, normally it is called AIGP, and that then you need a job offer from an employer. Experience is not required if you've already completed your education from New Brunswick province. So you need to prove that you've done your education, diploma or degree from New Brunswick, minimum 2 years, and then you need to have an IELTS, and then you need to prove your settlement funds, and then you need to show that provincial endorsement that kiti gayi hai tade employer wallon. सो यह सारिया चीज़ा चाहिए होनगियां. पी आर लेने रैलेटिवली आसान है, एंड इफ यू आर लुकिंग एट कंप्लीटिंग योर बैचलर, आई फील यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रुंसविक इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन. इफ यू नीड सम मोर इन्फॉर्मेशन, यू कैन गेट इन टच विद अस, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 9041390412. आने वाले वीडियोज जो होर इन्फॉर्मेशन शेयर करांगे अटलांटिक प्रोविंसेस बारे, जिमें कि यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड ची असी डील करते हैं, दैन केप ब्रिटन यूनिवर्सिटी, Nova Scotia, then there are many institutes which we deal in Atlantic provinces. ओदे बारे होर discussion करांगे, detail विच तां दसांगे. But if you are interested in applying for University of New Brunswick, which is a quality university, oldest, one of the oldest universities in Canada, then go for it. I'll tell you, it's a very, very good option. Thank you.